Hare Ram, Ram Ram, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Jai Ho Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare
निरीक्षण समन्ता
कान लाग जुदि मात प्रमेयम् त्वमाखरम् वारमं त्वमस्य विश्वस्य वरम् निवारणम् त्वमव्ययः शाश्वतगर्भलोकाः सनातनस्त्वम् पुरुषो मतो मे अनादि मध्यान्त अनन्त वीर्य मनन्त बाहु शशि सूर्य नेत्रम् हर्षामि त्वां दीप्त उत शव त्वं स्वगे स्वविदम् अलङ्कम् द्यावाग्विधेयो जिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैके न दिशस्य सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोग्यन्तवेदम् लोकत्रयं प्राज्ञभितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गायि सन्धि केचिन्मे प्राञ्जलयोगिनन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसम्भा स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभिकोष्ठलाभि रोद्रादित्या वसवो ये स साध्या विश्वेष्णो मरुत सोष्णाश्च सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते स्मितास्यैव सर्वे सानेशतवीत्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसिहिता नितिहो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिपते अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तरङ्ग त्वमाधिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य ईश्वरस्य वरं विधानम् भीता श्रीवेद्यं च परं च धाम त्वया कृतं ईश्वमनं करोप वायुर्यमो मे वरुणशशां प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य सुसहस्रते क्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तारथपृष्ठदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदये।
गीता जी का पाठ 16वां अध्याय श्लोक संख्या 13 से अध्याय समाप्ति पर्यंत। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमार्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु इदमद्यमयालब्धो मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मयाह च शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगि सिद्धोऽहं बलवान् श्रुतिः आद्योऽभिजनवानस्मि को न्योऽस्ति सविषो मया यक्षेदास्यामि मोदिश्य नित्यज्ञानविमोदिता अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृता सक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितः स्तब्धा धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते गाम्भीर्येण विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं
कामं कुर्वन् च संस्थिता मामात्मपरदेहेषु तद्दुषन्तु भस्मूयता तानहं दुषत क्रूरान् संसारेषु नराधमान् शिवाम्यगस्मशुभानास्मुरीष्वेवयोनिषु आसुरिं यो निमापन्ना मूढजन्मनि जन्मनि नामाप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् सुविधं नरकसेवं द्वारं नाशनमात्मना कामक्रोधस्तथा लोभस्वादेतत्रयं त्यजे एकैर्विमुक्तः कौन्तेय समो द्वारे श्रीनर आचरत्यात्मनः श्रेयस्तूयात् परां गति यशास्त्रविधिमुष्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गति तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कायकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहारसि तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कायकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहारसि कर्म कर्तुमिहारसि ॐ तत्सत् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे हरी शरणम् हरी शरणम् हरी श
राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 11 नवंबर 1992 को प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन में हुआ। राम अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च ज्ञानरेण साक्षिः। मनुष्य की स्वतः चेष्टा होती है फल प्राप्ति की। फल प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करता है जो भी, तो फल की प्राप्ति करने से फले सक्तो निबद्धति, फल में आसक्त होता है बंध जाता है। मिलने वाला फल इच्छा करो तो भी मिलता है, ना इच्छा करो तो भी मिलता है। फल की प्राप्ति है वो इच्छा के अधीन नहीं है, ये एक बड़ी रहस्य की सच्ची बात है। धन मिलने वाला है तभी मिलेगा, इच्छा से नहीं मिलेगा। इच्छा करना है ये तो एक तरह की गुलामी स्वीकार करनी है, स्वतंत्रता स्वीकार करनी है, पराधीनता लेनी है। हमारे को जो वस्तु मिलती है, पदार्थ मिलता है, भोग मिलता है, रुपये मिलते हैं, ये मिलने में हमारी इच्छा कारण नहीं है। ये खूब ख्याल करें आप लोग, कृपा करें। इच्छा करने से अगर मिले तो निर्धन कौन रहे। मना मनोरथ छोड़ दे तेरा किया न हो, पानी में घी नहीं बचे तो रूखो खाए रुकोए। अगर पानी में घी पैदा होता हो तो रूखा क्यों खाएगा आदमी। हलवा बने खूब मौज बढ़िया। तो मन चाहे चीज नहीं होती है, और गीता इसका निषेध करती है कि मन की साधना है ना वो मत करो, करते भी करो, काम में तो निकम्मा रहो मत, और कामना करो मत। काम और कामना है ना, मन में इच्छा की चीज मिले, ये नहीं करते भी कर्म करो। अपना जो जो कर्तव्य आ जाए सामने उसको तत्परता से भरे उत्साह से करो। तस्मात अशक्त सतसंकार समाचार, कर्तव्य कर्म निरंतर करो, मशीन की तरह करो। मन आसक्ति मत रखो, आसक्ति मन में जो इच्छा होती है पदार्थों की, वस्तुओं की, व्यक्तियों की, अनुकूलता की इच्छा है, ये इच्छा बांधती है। अनुकूलता नहीं बांधती, अनुकूलता के भोग में जो रुचि होती है उन भोगने से सुख होता है, उसमें बंधन होता है। वो मन चाहे न मिलने से दुख होता है तो उसमें बंधन होता है। राग द्वेष इंद्रिय से राग द्वेष, तो राग और द्वेष ये तो अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर के होने वाले ही हैं। तयोर न बस मां के सिंह के वशीभूत न हो, मन में इच्छा भी हो गई, इच्छा के वशीभूत नहीं करे। चश्मा शास्त्र प्रमाण से, शास्त्र कहता है वो करे, शास्त्र निषेध करता है वो न करे। सामने शास्त्र को रखे, इच्छा को न रखे,
इस समय फले सकतो निबद्ध थे, फल में आसक्ति से वो बंदर हो जाता है। और नहीं तो यज्ञ होता तो मैं समग्रम प्रवृत्ति यज्ञ करूँ, अन्य तो लोग भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए, लोक संग्रह के लिए, लोक मर्यादा परंपरा संपूर्ण अस्तित्व से रहे इसके लिए थे साहस कर्म करो। स्वकर्मणा स्वाभ्यासे भगवान का पूजन रूप से काम करो, जो कुछ करो छोटा बड़ा सब पूजन, खाना पीना शौच स्नान ये भी सब भगवत प्रीत्य से करो, भगवान की राजी के लिए करो, दुनिया के हित के लिए करो। दुनिया के हित के लिए करने से कर्मयोग हो जाता है और भगवान की प्रसन्नता करने से वो भक्ति योग हो जाता है। और इनमें करना है नहीं, होता है, गुणा गुण सुवर्तन से आप अलग रहे ये होता है क्रिया है, ये हो जाएगा ज्ञान योग हो जाएगा। और फल की आसक्ति होगी तो ये बंधन हो जाएगा, बंधन योग हो जाएगा, बंधन के साथ संबंध हो जाएगा, बंधन का फल तो निबद्ध जैसे। इस वास्ते फल की इच्छा का त्याग करके अनाशता करो, फलम कर्म फल का आश्रय ले रहे वो नाशवान है। फल फल कोई होगा वो नाशवान होता है, बल्कि भी फल लगता है तो आरंभ होता है अंत में नाश हो जाता है, गल जाएगा खराब हो जाएगा। ऐसे कर्मों का फल है वो तो उत्पन्न होने वाला है, नष्ट होने वाला है, तो उसमें न रखे। किंतु कर्तव्य कर्म है हमारा, मनुष्य सही है तो भाई अच्छा से अच्छा काम करो, उत्तम से उत्तम काम करो। जब शरीर हमारा उत्तम है तो उत्तम से उत्तम काम करो, कार्य कर्म करो, कार्य 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 प्रवृत्ति से निवृत्ति से कार्य कार्य भया भय बंधन मोक्ष व्यक्ति बुद्धि सापार्थ सात्विकी। ये कर्तव्य है, करना चाहिए, ये अकर्तव्य है, नहीं करना चाहिए। शास्त्र निषिद्ध काम मत करो, लोक मर्यादा से विरुद्ध काम मत करो, अपने स्वार्थ को लेकर काम मत करो, दूसरों को हित के लिए काम करो। ते प्राप्त मंत्री माम एवं सर्वभूत हिते रसा, प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले परमात्मा को प्राप्त होते हैं। था कि रामायण में आए पर हित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अजमाई, पर हित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ को सुनाए। मनुष्य शरीर है ये हित करने के लिए है। इस बात तीसरे अध्याय आएगा देवान भाव्यता आदि इस कर्तव्य कर्म के द्वारा देवता को पूजन करो, देवता तुम्हारे निर्वाह करे, परस्परम भावयन्ति एक एक का हित करने वाले परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। ऐसे आपस में भी दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का हित कैसे हो, बड़ी शांति मिलेगी। मैंने कई बातें देखी है सुनी है, हमारे साधु पहले संत थे वे 8, 10, 15, 20 साधु साथ में रहते बड़े प्रेम से, भाव ये रहता कि मैं सेवा करूं सबकी, सबको सुख कैसे पहुंचे, सब कह दूसरों को सुख पहुंचाने की बात करें तो सबके सब सुखी रहेंगे, और अपने मतलब की बात की मेरे को सुख हो जाए तो लड़ाई होगी आपस में, खटपट होगी। गृहस्थों में भी भाई भाई तो अपने साथ रह जाते हैं, स्त्रियां आपस में खटपट कर देती है, उसमें लड़ाई हो जाती है। इस वास्ते अलग होना अच्छा है, उनमें खटपट होने लग जाए, मत भेद हो जाए तो अलग हो जाओ। साथ में भी रहना है प्रेम के लिए, और अलग अलग होना है प्रेम के लिए, आपस में मत भेद हो जाता है, इस वास्ते भी अलग अलग हो जाओ। जितने भाई है उतने ही घर हो जाएंगे, किसी बात से अलग अलग रहो। मन मिले तो मेरा कीजिए, चित्त मिले तो चेला,
ज्ञान भी तो शुरू गुजे नहीं तो भला अकेला अकेला लो पर भगवान में लगे रहो। संसार की इच्छा मत रखो, नाशवान की इच्छा रखने से आदमी बंधता है। आप ध्यान दो कि ये जीवात्मा नित्य है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, विनाश नहीं होता इसका। ईश्वर का साक्षात अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज शुक्राशी है। चेतन है, शुद्ध है और सहज ही शुक्राशी है। ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन है, सहज शुक्राशी है। ये जीव दुख कब होता है कि जब इच्छा कर देता है, चाहना कर देता है। ये राग द्वेष ये तो ऐसे परिपंथी लोग मारे में लुटे रहे हैं। राग और द्वेष इनको छोड़ करके दूसरे का हित हो। कर्मियों को भगवान ने श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि कर्मियों को दूसरे का हित ही करना है, सेवा ही करना है। स्वकर्मणा तुम अभ्यर्थ्य। सब संसार में जो परमात्मा परिपूर्ण है अपने कर्मों के द्वारा उसका पूजन करे तो सिद्धि को प्राप्त हो जाए। तो सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले, इस भाव से ही काम करे सभी सबके हित के लिए। सत्य प्राप्त माम सर्वभूति हित रसा, प्राणी मात्र के हित में रसी प्रीति हो जाए और परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। ये जो संसार में उलझन है, फसावट है, संताप है, परवशता है, एक कारागार की तरह कैद है, ये इस कारण से है कि चाहना करते हैं। ये चाहना के कारण से ही बंधन होता है। अगर चाहना का त्याग करके दूसरों का हित किया जाए बंधन नहीं होगा, वह मुक्त हो जाएगा। तो संसार में जन्म लेना है मुक्ति के लिए, बंधन के लिए नहीं। ये मानव शरीर है ना, ये मुक्ति का खास दरवाजा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा दरवाजा है। ठीक तरह करो तो मुक्ति हो जाएगी, नहीं तो सदा के लिए बंधन हो जाएगा, महान बंधन हो जाएगा। सावधान रहो, फले सब तो निबद्ध थे, रास्ता मत करो, इच्छा मत करो, पदार्थ आवेगा। एक मार्मिक बात है, हम इच्छा करते हैं तो हम बंध जाते हैं और पदार्थ मिलता नहीं है। हम इच्छा करेंगे कम्बल मिल जाए, ऐसी मन भावना करेंगे कोई कोई कम्बल दे दे, किसी कम्बल मिल जाए तो मिलेगी नहीं। और ठंडी आ गई और ठंडी लगेगी, अब मिल जाए तो अच्छी बात, निर्वाह होता है हमारा। तो हमारी जो आवश्यकता है ना कम्बल की, वो फैलेगी दूसरों के पीछे में जाएगी तो वो उनके मन में आवेगी देने की। अगर हम पकड़ देंगे उस इच्छा को तो हमारे पास ही वो रहेगी, दूसरे मन में जावेगी नहीं, तो देने के मन में नहीं आएगी उनके। हमारे के जो ही लेने की मन में अधिक करेंगे तो ही देने वालों के मन में देने की बात मिटेगी, और बिल्कुल लेने की इच्छा नहीं करेंगे तो दूसरों की देने की इच्छा पैदा होगी। ये एक मार्मिक बात है। इस वास्ते आशा ही परमम दुखम, इच्छा करे आशा रखे मन में, जितने लोग है हमारे कुछ दे दे, ये मेरे कुछ दे दे, ये मंगसापना है। अपने को मेरे ये मंगसापना बड़ा नीचा है, तो ये इच्छा नहीं रखे, सेवा करे, अपने सुख 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 पहुंचावे। आत्मा न प्रतिकूल आदि परेशान न समाचे, अपने जो अच्छा नहीं लगे वो औरों के लिए भी न करे, सेवा करे। अनाश से कर्म भरम कार्य कर्म करो, कर्तव्य कर्म करे, फल की इच्छा नहीं, आश्रय नहीं है।
निराश रहेगा, नित्य तृप्त हो निराश रहेगा, आश्रय नहीं रहेगा किसी का, नाशवान चीज का आश्रय क्या रखे, आश्रय तो माम आश्रित ये सबसे आश्रय भगवान का रखो, भगवान का आश्रय भगवान का आश्रय रखो, भगवान का एक भरोसा, एक आश्रय, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम सातक तुलसीदास, तो आश्रय केवल भगवान का रखे, पदार्थों का क्या आश्रय, नाशवान का क्या आश्रय रखे, ये जितने गए मनुष्य आशा रखते हैं उनसे हम आशा रखेंगे तो दोनों बंधेंगे, दोनों फंसेंगे, और हम आशा नहीं रखे तो हम नहीं फंसेंगे, आशा रखेगा वो फंसेगा, दोनों आशा नहीं, दोनों कल्याण होगा, परस्पर भावी अंत श्रेय परमावश्य परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी, तो अनाश्य कर्म फलम, कर्म पर का आश्रय न लेकर कार्तिक कर्म करो उसी है कर्तव्य कर्म करता है, सब सन्यासी जी योगी है, वो सन्यासी भी है योगी भी है, मान सांख्य योग से भी वो सिद्ध हो जाएगा, कर्म योग से भी वो सिद्ध हो जाएगा, और कर्म न करने से कोई योगी नहीं होता, ऐसा उस त्याग करने में अग्नि का त्याग कर दे तो वो सन्यासी हो जाएगा, नहीं होगा, कर्म फल की इच्छा नहीं, नाशवान पदार्थ की इच्छा नहीं करे, याद होना चाहिए कि हम अविनाशी है परमात्मा के अंश है, तो पदार्थों की इच्छा क्यों करें, बड़े घराने का बालक होकर छोटे घरों में मांगने को जावे तो उनके घर में बड़ी शर्म होती है, उनके माँ बाप को शर्म आती है, और खुद को भी शर्म आनी चाहिए कि मैं किस घर का हूँ, क्या कर रहा हूँ, परमात्मा का साथ तुच्छ चीजों को मैं चाहूं, बड़ी गुलामी है ये वस्तुओं की, पदार्थों की, मान की, बड़ाई की, सुख की, आराम की इच्छा रखना है, ये और नीची बात, ये तो कुत्तों में गधों में नीचे से नीचे प्राणियों में होती है, ये मनुष्य के लायक काम नहीं है, मनुष्य कहलाते हो, मनुष्य तुम तो सेवा करने वाले हो, सबको सुख पहुंचाने वाले हो, दूसरों की बात ऋषि मुनि संत महात्माओं की सेवा करने वाले, जीवन मुक्त महापुरुषों की सेवा करने वाले, साक्षात भगवान की भी सेवा करने वाले, जो दुनिया मात्र का पालन पूर्ण करते हैं उनकी सेवा मनुष्य कर सकता है, मनुष्य में इतनी योग्यता दी है भगवान ने, भगवान की सेवा करे, भगवान भी वश में होते आए, भगवान भक्त के वश में होते आए, भक्त के वश में हो जाए, भक्त कुछ चाहता ही नहीं सेवा करता है, हनुमान जी महाराज के ऋणी हो गए भगवान, हनुमान जी ऋणी भगवान, भगवान ऋणी हो गए, सीता जी ऋणी हो गई, लक्ष्मण प्राणदाता से लक्ष्मण जी ऋणी हो गए, खबर जी फिर भरत जी ऋणी हो गए, अयोध्या माता ऋणी हो गई, हनुमान जी महाराज के दिया कुछ नहीं, कोई पास में दे दे ऋण होता है देना कुछ नहीं, मतलब क्या काम तो सब करता था, देना कुछ नहीं, अपने कुछ नहीं देना, भगवान शंकर के मन में आई सेवा करने की, जब हनुमान का अवसर धारण किया तो बंदर क्यों उनके कि रोटी चाहिए नहीं, कपड़ा चाहिए नहीं, मकान चाहिए नहीं, खास ये चीज है, वृक्षों पर ले जाओ कोई मकान है और वहीं भोजन कर दो अपना, कोई पत्ते खा लो, और कपड़े की जरूरत ही नहीं, मकान की जरूरत ही नहीं, काम तो बड़े से बड़ा करे, ऐसा रोटी कपड़े की भी नहीं, लंका पर जब चढ़ाई करी, लंका में पहुंचे तो बिना ऋतु फल गए, ऋतु और कुरुष सब त्याग कर गए, आप ही फल लग गए, एक पुरानी बात याद आ गई, जागरण था एक जगह, हमारे गुरु महाराज विराजमान थे,
और कहे भाई सबकी सेवा करो चाह हो मत। तो किसी ने प्रश्न कर दिया कि नहीं चाह तो रोटी कैसे मिलेगी। तो मेरे महाराज बोले रोटी वृक्षों में लग जाएगी, वृक्षों के दूर रोटी लग जाएगी, आप चाह नहीं करो। तो फलों पर रहते थे ऋषि मुनि, वानप्रस्थ आश्रम में ऐसे रहते थे ना। मैंने देखा है ऋषिकेश हम जाते हैं, हम जो 40-50 वर्षों से, तो बेल बहुत वृक्ष थे और बड़े बड़े बेल के फल आते थे, वृक्ष कम हो गए, सूख गए और फल छोटे हो गए। ये जो इच्छा करता रहे तो वस्तु लुप्त हो जाती है, और कुछ भी इच्छा नहीं रहे वस्तु सामने आ जाती है। आप तो इच्छा करना है ये दरिद्रता है, को बात दरिद्र हो विशाल तृष्णा, दरिद्र कौन है जिसके भीतर तृष्णा विशाल है वही दरिद्र है। श्रीमान से को लक्ष्मीवान कौन है कि जिसकी कुछ इच्छा नहीं है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कस नहीं चाहिए सो सहन प्रतिशा, बादशाह का बादशाह है। कितनी प्रश्न बात है, कितना ऊंचा पद मिलता है, जहां चाह ना करी हो गया। भगवान का सबसे बड़ा अवतार हुआ बावन अवतार, पर चाह ना करी तो बावन भगवान हो गए, छोटो बावन अमर भाई छोटो सा हो गया। बावन नाम ही है, दूर बिगड़ी सुधरे नहीं, कोटि करो उपाय ब्रह्मांड में बढ़ गए तो बावन नाम जाए, नाम तो बावन ही है, छोटो बना है। तुम मांगने के लिए गए, मांगने गए तो मर गए, अरे मर कर मांगने जाए उनसे पहले वो मरे जो होते भी नस जाए, मांगने गए सो मर गया। एक श्लोक आया है कि तेना नबी लघु स्थूला, तिन है वो लघु होता है, परंतु रूई का जो एक तंतु होता है ना वो स्थूल कहता है, उसको तूल लघु स्थूल स्थूला के पीछे याचक मांगने वाला उससे तुच्छ है। कि तो वायुना कि भाई हवा तू लेगी, फिर तूल को ले जावे तने को उड़ा रहे तो उसमें उड़ाना चाहिए कि वो डरता है वायु भी कि मेरे को जाचना करने का मांग लेगा विश्वास पर कुछ स्पर्श कर तो फिर कुछ मांग बैठेगा। वायु ना किंग नहीं तो सो क्या माँ में वो याद ही सी मारे से मांग बैठा है कुछ तो मांगने वाले डरते हैं लोग कुछ मांग रहेगा क्या मांगते नहीं हो निश्चय निर्धक रहेगा निश्चिंत रहते किसी को डर नहीं लगता ऐसी बात। नारायण 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 ये बात है सर।